वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 इन योर हिस्ट्री बुक, दैट इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं. इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जो अलाइज थी, यानी कि जो मित्र देश थे, उन्होंने क्या करा था, जर्मनी पे अटैक किया था, और जिससे जर्मनी जो है हारता चला गया था वर्ल्ड वॉर में. और फिर क्या हुआ वहाँ पे, लोगों ने सोचा कि जर्मनी में कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, जो पार्टीज या जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, उन्होंने जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी कंट्री में क्या करा, सबको वोटिंग के राइट्स दे दिए, इंक्लूडिंग द वीमेन. क्योंकि उस समय में तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, लेकिन जर्मनी में यहाँ पे वोटिंग राइट्स सभी एडल्ट्स को दिए गए ताकि वो वोट कर सके और अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको यूज़ कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं को भी जो है वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे. इससे आगे आज हम स्टडी करते हैं, ओपन योर हिस्ट्री बुक पेज नंबर 51, लास्ट पैराग्राफ. दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल. यानी कि जो इस तरीके का जो डेमोक्रेटिक चेंजेस आए थे जर्मनी में, उस चीज़ों को ज़्यादा लोगों ने जो है उसका स्वागत नहीं किया था. लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड. क्योंकि जो है जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था, डिफीट हो गया था, यानी कि हार गया था. ठीक है, द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड कुलमिनेटिंग पीस. देखो, जब भी कोई कंट्री हार जाती है युद्ध में, तो उसको क्या करना पड़ता है, संधि करनी पड़ती है. ठीक है, समझौता करना पड़ता है जिस भी कंट्री से वो हारी होती है. तो जर्मनी यहाँ पे किससे हारी थी, जो अलाइज कंट्री थी. अलाइज कंट्री में कौन कौन सी आ गई आपकी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. तो जब भी हम अलाइज की बात करेंगे, अलाइज का मतलब होता है मित्र देश. ठीक है, मित्र देश. और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज किस किस को बोला गया था, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. तीन कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. ये तीनों मिलके बाकी कंट्रीज के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ती थी. तो जब अलाइज से, यानी कि इन तीनों देशों से जर्मनी की हार हो गई, तो क्या हुआ, जर्मनी को जो है इन अलाइज के साथ क्या करनी पड़ी, एक संधि करनी पड़ी, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, हार्श था और ह्यूमिलेटिंग. समझते हो क्या होता है ह्यूमिलेटिंग, मतलब बड़ा ही, जैसे हम बोले कि बड़ा बेइज्जती भरा. ठीक है, जब वो कंट्री हार ही गई, उनसे उनके साथ उनको समझौता करना पड़ा, तो उनके लिए क्या था, बड़ा ह्यूमिलेटिंग सा एक जो है सिनेरियो था. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. अब देखो क्या था, जब जर्मनी युद्ध में हार गया, तो ये सारी चीज़ें जिनके भी अभी आपने नाम पढ़े कि इतना परसेंट ये, इतने परसेंट पॉपुलेशन, ये सब इनको जो है इन दूसरी कंट्रीज़ को देनी पड़ी. क्योंकि जब वो हार जाते हैं तो उनको तो दूसरे सामने वाली कंट्रीज़ की बातें माननी पड़ेंगी ना, जो उन्होंने मांगा फिर वो उनको देना पड़ा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बदले में, जर्मनी को अपनी हार के बदले में इन कंट्रीज़ को देनी पड़ी. ठीक है, द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. अब जो ये अलाइड पावर, अलाइड मतलब जो तीन देशों के नाम अभी आपको बताए, इन्होंने क्या करा, जर्मनी को जो है डीमिलिटराइज्ड कर दिया. डीमिलिटराइज मतलब उनको वो लोग अब सेना नहीं रख सकते थे अपनी, ताकि जर्मनी जो है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए. सेना ही नहीं होगी देश के पास तो क्या होगा, देश तो कमज़ोर हो ही जाएगा ना. तो इन लोगों ने क्या करा, मिलके जो अलाइज कंट्री थी, इन्होंने इनको डीमिलिटराइज कर दिया, इनकी सेना को ख़त्म कर दिया. ठीक है, द वॉर गिल्ड कॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर. देखो, जो वार गिल्ट कॉज हेड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, मतलब इन लोगों ने क्या करा, वॉर गिल्ट क्लॉज ने इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो क्लॉज था, इस संधि का जो क्लॉज था, उसके अकॉर्डिंग जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए, फॉर द वार एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर. अलाइड कंट्रीज मतलब बार बार ये वर्ड आ रहा है, अलाइड कंट्रीज. आपको याद रखना है, जब हम अलाइड कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, अभी बताइए आपको तीन कंट्रीज. ठीक है, अलाइड कंट्रीज मतलब ये तीन कंट्रीज. तो इन तीन कंट्री ने क्या बोला कि हमारा जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है वो सब जर्मनी की वजह से हुआ है, इसलिए आपको ये सारा नुकसान जो है कि भरपाई आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू $6 बिलियन पॉन्ड्स. ठीक है, तो क्या था, इतना जो है उनको कंपनसेशन, इतने पैसे जो है 6 मिलियन उनको जो है भुगतान के रूप में उनको देने पड़े. द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच
hinterland for much of the 1920s. Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. अब देखो क्या था, इनको बहुत सारी चीज़ें जो है खोनी पड़ी. किनको? जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी हारा था. तो इनको जो ये अलाइड कंट्री थी, इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है युद्ध में हार के बदले में देनी पड़ी. तो लोगों का क्या मानना था कि ये जो वेमिनार रिपब्लिक था जर्मनी में, ये रिस्पॉन्सिबल था जर्मनी की हार के लिए. और जो ये इतनी शर्मनाक संधि इनको करनी पड़ी, समझौता जो करना पड़ा अलाइड कंट्रीज के साथ, उन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या थे इस वॉर के, युद्ध के क्या इफेक्ट्स थे. The war had a devastating impact on the entire continent, both physiologically and financially. देखो जब भी विश्व युद्ध, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. विश्व युद्ध का मतलब ही क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, अब बहुत सारी कंट्रीज जब युद्ध में इन्वॉल्व होगी तो उसका नुकसान क्या होगा कि बहुत सारी जो है डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे. देखो फाइनेंशियली कंट्रीज कमजोर हो जाएंगी. ठीक है, बहुत सारे जो उनके रीजन है वो उजड़ जाएंगे. जहाँ बम गिरा होगा वो एरिया खराब हो जाएगा, लोग मर जाएंगे. और जितना सारा पैसा लगा होगा, यानी कि फाइनेंशियली भी सारी इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाएगी. चाहे कोई युद्ध में जीता है, चाहे कोई युद्ध में हारा है. हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो कंट्रीज युद्ध में हार जाती है उनका नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना जो जीत गई है उनकी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा. लोग तो उनके भी मरते हैं, पैसा तो उनका भी लगा होता है. तो जब ये विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद क्या था, पूरा ही कॉन्टिनेंट जो है वो नुकसान में चला गया था. ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट टू ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर. यानी कि यूरोप पहले क्या था, एक क्रेडिटर, यानी कि ऐसा इंसान जो कर्ज देता था, अब वो क्या बन गया था, एक डेटर, यानी कि कर्ज लेने वाला. ठीक है, यूरोप पहले जो दूसरों को, दूसरी कंट्रीज को कर्ज दिया करता था, इस युद्ध के बाद वो क्या खुद कर्जदार बन गया था. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमिनार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो इन्फेंट वेमिनार का मतलब जो अभी अभी शुरू ही हुआ था वेमिनार रिपब्लिक, उसको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इन सारी हार के बदले में. और जो है वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, यानी कि पुरानी एम्पायर, जो पुराना शासक था उसके जो भी पाप थे उन सबको मतलब भुगतने का रिस्पॉन्सिबल इसको बताया गया कि आपको ये सारी चीज़ें जो है भुगतनी पड़ेंगी. देखो वेमिनार रिपब्लिक क्या था, जो लोग जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, देखो वेमिनार रिपब्लिक वो था जो कि चाहते थे कि जर्मनी में डेमोक्रेसी आ जाए. डेमोक्रेसी समझते हो ना क्या होती है, जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों का ही शासन होता है. लोग खुद, जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. लोग आप जो है 18 ईयर से अबव होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करते हैं. ठीक है, जो जीतता है वो फिर पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाता है. ऐसे ही होता है, जो है राजा का या किसी ऐसे रूलर का तो रूल नहीं है ना इंडिया में, जैसे ब्रिटेन में है. ठीक है, चाइना में है, ऐसा तो नहीं है. तो यहाँ पे भी जर्मनी में भी लोग क्या चाहते थे, जो वेमिनार रिपब्लिक था ये डेमोक्रेसी लाना चाहता था. लेकिन ये अभी शुरू ही हुआ था वहाँ पे, और फिर क्या हुआ, जर्मनी युद्ध में हार गया. तो सबने क्या सोचा कि इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगे कि इस युद्ध में हार के रिस्पॉन्सिबल आपकी पार्टी है. ठीक है, those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. अब क्या होता था, जो भी लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, चाहे वो डेमोक्रेटिक्स हों, चाहे वो सोशलिस्ट हों, चाहे वो कैथोलिक्स हों, उन सबको जो भी इनको सपोर्ट करता था वो क्या होता था, उसको जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता था. मतलब उसको ईजिली टारगेट किया जाता था. ठीक है, तो जो भी लोग जो है वेमिनार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उन लोगों को फिर टारगेट बनाया जाता था. देखो कोई भी कंट्री है, चाहे हार किसी भी वजह से हुई हो, वहाँ के लोग तो यही मानते हैं ना कि मान लो अगर इंडिया में मैच हार जाता है तो क्या करते हैं, क्रिकेटर्स के घर के बाहर पत्थर फेंकने चले जाते हैं. होता है ना ऐसे, जनरली आपने न्यूज़ में देखा होगा वर्ल्ड कप में इंडिया कोई मैच हार जाती है तो उनके घरों में लोग पत्थर मारने चले जाते हैं. यहाँ तो पूरी कंट्री की हार हुई थी तो जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, तो जो भी लोग उसको सपोर्ट करते थे, जैसे वेमिनार रिपब्लिक यहाँ की एक पार्टी थी, जो लोग उसको सपोर्ट करते थे लोग क्या करते थे, उसी पे अटैक करते थे कि तुम इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इनकी वजह से तो हम जो है विश्व युद्ध में हार गए हैं, वर्ल्ड वॉर में हम हार गए हैं. ठीक है, दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. इनको मजाक उड़ा के इनको क्या कहा जाता था, नवंबर
लाइज कहा जाता था. दिस माइंड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी. अब इन सबका इम्पैक्ट क्या हुआ 1930s में, सबको हम अभी पढ़ेंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. ठीक है, देखो यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी में इसका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ था, यानी कि बहुत गहरा असर हुआ था उनकी पॉलिटी पे भी और उनकी सोसाइटी पे, यूरोपियन सोसाइटीज पे भी. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियंस. अब क्या होता है, देखो जब भी युद्ध होता है, युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, सोल्जर्स, सिपाही. ठीक है, तो जब युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आने लगे. अब सोल्जर्स को जो सिविलियंस है ऊपर का दर्जा मिलने लगा. सिविलियंस कौन होते हैं, सिविलियंस कौन होते हैं, नागरिक, आम नागरिक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. सोल्जर्स को सिविलियंस यानी कि नागरिकों से ऊपर का दर्जा मिलने लगा. ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन. अब देखो पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड, वो लोग देखो जो भी पॉलिटिशियंस होते थे या जो लोग भी सीधे बैठे हो लास्ट, ये क्या करते थे, ये लोगों को बोलते थे, मतलब सिपाही कैसा होता है, फौजी कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, मैस्कुलिन होता है. ठीक है, तो ये लोगों को बोलते थे कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मतलब हर किसी को जो है फौजी की तरह बनना पड़ेगा. ठीक है, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. द ट्रुथ हाउ एवर वॉज द सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पसेस. क्या होता था, देखो सिपाहियों की लाइफ को तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया जाता था कि ये लोग जहाँ रहते हैं, ये लोग जिस तरीके के होते हैं, मतलब इनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था. लेकिन असलियत में क्या था, फौजी जो सोल्जर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी. कैसे ख़राब थी, अब जैसे जहाँ सोल्जर्स रहते थे वहाँ पे क्या थे, उनका खाने में चूहे घूमते रहते थे. ठीक है, मिजरेबल कंडीशन थी, दयनीय कंडीशन. सिपाही तो सिपाही होता है, उसको तो कैसी भी कंडीशन में काम करना होता है. लोगों की नज़रों में था कि इन्होंने जो है युद्ध में पार्टिसिपेट किया है और इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, सबको जो है सिपाही जैसा बनना चाहिए. लेकिन एक्चुअल में जो सिपाही थे वो बहुत ही बेकार कंडीशन में रहते थे वहाँ पर. ठीक है, दे फेस्ड पॉइजनियस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. अब ये सिपाही क्या क्या देखते थे, देखो फौजी जो होते थे दे फेस्ड पॉइजनियस गैसेज, यानी कि उनको जहरीली गैसेस का सामना करना पड़ता था. ठीक है, और एनिमी शेलिंग, शेलिंग क्या होती है, जैसे जो हम देखते हैं ना न्यूज़ में, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान शेलिंग करता रहता है बॉर्डर पर. शेलिंग मतलब शेलिंग होता है जैसे गोली चलाना, बम फेंक देना. ठीक है, उसको हम शेलिंग कहते हैं. तो ये जो सिपाही होते हैं ये तो बॉर्डर पर रहते हैं, तो इनको लगातार क्या है, शेलिंग को फेस करना पड़ता था. ठीक है, इनको जो है पॉइजनियस गैसेस दी जाती थी वहाँ पे रहते हुए. ठीक है, और क्या प्रॉब्लम थी इनकी. एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. रैंक्स पता है ना, फौजियों के रैंक होते हैं ना, तो वो देखते थे कि उनके रैंक है ना लगातार गिरते जाते थे. उनको प्रमोशन तो नहीं मिलती थी बल्कि उनके डिमोशन होते रहते थे. तो एक्चुअल में लोग तो बहुत ग्लोरीफाई करते थे कि फौजियों को, कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को में जो है ये लोग गए हैं. लेकिन एक्चुअल में उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी. ठीक है, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर. अब देखो वर्ल्ड वॉर के जब भी होता है तो लोग क्या है, अपने अपने देश को समर्थन देते हैं कि हाँ हमारा देश जीतेगा, लोगों में देशभक्ति की भावना ज़्यादा हो जाती है. तो ये भी वही समय था जहाँ पे लोग जो है नेशनल ऑनर को जो है, नेशनल ऑनर मतलब अपने देश के लिए सम्मान, इन चीज़ों की भावना लोगों में बहुत बढ़ रही थी. ठीक है, वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग. देखो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स क्या होती है, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप एक तो होती है देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे आपको जो है रहने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपना नेता चुनने की आज़ादी है, आप खुद इलेक्शंस के थ्रू अपने रूलर को चुनते हो. ठीक है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन रूल करता है, तानाशाह जैसे होता है. ठीक है, दिस केम बैक फ्रॉम अ सर्च. यहाँ पे क्या होता था जो है डिक्टेटरशिप को लोग जो है ज़्यादा प्रमोट करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों को डेमोक्रेसी पसंद नहीं आई थी. उनको लगा था कि नहीं, ये लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, इस वजह से जो है जर्मनी युद्ध में हार गया था. ठीक है,
डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया. इस समय में जो डेमोक्रेसी था वो एक बहुत ही यंग और फ्रेजाइल, मतलब एक नाजुक आइडिया था. लोग ज़्यादा डेमोक्रेसी को जानते नहीं थे, मानते नहीं थे. इंडिया में भी क्या शुरू से डेमोक्रेसी है? पहले क्या थे इंडिया में भी? जैसे पहले मुगल्स थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, और उससे पहले भी राजा महाराजा यही सब लोग रूल करते आए थे. डेमोक्रेसी तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आई है ना इंडिया में. तो उसी तरीके से ये जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, उस समय में भी क्या था, डेमोक्रेसी बहुत ही नया आइडिया था. लोग ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना लोगों को ये आइडिया ज़्यादा पसंद आता था. ठीक है, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप. जो कि एक ये ऐसा आइडिया था डेमोक्रेसी का जो कि इस समय यानी कि युद्ध की जो कंडीशन थी इस समय में यूरोप में एक्सेप्टेंस नहीं पा सकता था. लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो तानाशाही से ही खुश थे. ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. द बर्थ ऑफ द वेमिना रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टेसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया. बोल्शेविक रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से बोल्शेविक जो है रशिया में रेवोल्यूशन लेके आए थे. उन्होंने क्या करा था, वो भी तो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे ना, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे रशिया में. तो सेम यहाँ पे भी क्या था, यूरोप में जो वेमिना रिपब्लिक है वो बोल्शेविक की तरह ही काम कर रहा था कि वो भी जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना चाहता था. ठीक है, सोवियत्स ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज. सोवियत क्या होता है, संघ. ठीक है, संघ बनाए गए किन किन के, सोल्जर्स के, सेलर्स के सॉरी, और वर्कर्स के. सेलर्स कौन होते हैं, सेलर्स, SAILORS, सेलर्स, नाविक. ठीक है, जो नाव चलाते हैं. ठीक है, सेलर्स के और वर्कर्स के, इनके जो है संघ बनाए जाने लगे. सेम चीज हमने उसमें पढ़ी थी जब बोल्शेविक्स आए थे, वहाँ पे भी इसी तरीके से संगठन बनने लगे थे, संघ बनने लगे थे. ठीक है, द पॉलिटिकल एटमोसफेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. यानी कि बर्लिन में इस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनने लगा था कि उनको जो है सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए है. दोज अपोज टू दिस, जो लोग इसका विरोध करते थे, सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वेबिनार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जो लोग इसको अपोज करते थे वो लोग क्या करते थे, जैसे कि जो सोशलिस्ट होते थे, डेमोक्रेट्स होते थे, कैथोलिक्स होते थे, वो लोग वेबिनार ग्रुप में मिलते थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की ओर, कि देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इस ओर जो है अपनी प्लानिंग करते थे. द वेमिना रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स. अब जो ये वेमिना रिपब्लिक था, इन्होंने इस तरीके की जो अपराइजिंग क्या होती है, पहले भी बताया था क्लास में मैंने, अपराइजिंग क्या होती है, जैसे अपराइजिंग मतलब जो विरोध होते हैं, जैसे क्रांति आती है ना कि लोग उठ खड़े होते हैं, अपराइजिंग मतलब लोग विरोध में उठ खड़े हुए. ठीक है, तो इन सबको ख़त्म करने के लिए वेमिना रिपब्लिक ने क्या करा, वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स, उसकी हेल्प ली. ठीक है, द एंग्विश्ड स्पार्टेसिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हेंसफोर्थ बिकेम इरकंसिलेबल एनिमीज. इस तरीके से देखो, जो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, वो क्या बन गए, जो है एनिमीज बन गए. कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, मतलब वो एक साथ मिलकर हिटलर के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए. हिटलर क्या कर रहा था वहाँ पे, तानाशाही कर रहा था ना उस समय में, लेकिन क्या था, लोग जो है डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे बहुत ज़्यादा. बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन. देखो, चाहे रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, क्रांतिकारी. हाँ, रेवोल्यूशनरीज जो सुधार लेके आना चाहते हैं, क्रांतिकारी जिनकी सोच होती है. ठीक है, और मिलिटेंट नेशनलिस्ट होते हैं, वो क्या करना चाहते थे, क्रेव्ड फॉर, क्रेव्ड मतलब उनको बहुत इच्छा होती थी कि यहाँ पे कोई रेडिकल सॉल्यूशंस होने चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए. ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटन्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. यानी कि 1923 में क्या आया है यहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी. इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना है आपने कभी, आर्थिक मंदी क्या होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस. देखो, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाए, ठीक है, लोगों में बेरोजगारी आ जाए, प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाए,
ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, पैसों की तंगी हो जाए लोगों को, उन सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक, जब ये बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक पूरी कंट्री के स्केल पे जब होते हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इवन जो काम कर रहे हैं उनका भी रोज़गार चला जाता है, चीज़ों की कीमतें अचानक बढ़ने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग जो है खाने पीने की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों को हम फिर इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, जर्मन हैड फॉर द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। जर्मनी ने जो युद्ध था वो किसके बेसिस पर लड़ा था? लोन लेके। ठीक है, एंड हैड टू पे वॉर रिपरेशंस इन गोल्ड। और जो ये लोन लिया था उसने, उसको किस फॉर्म में पे करना था? गोल्ड की फॉर्म में, सोने के फॉर्म में। ठीक है, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केर्स। अब जो ये है, इससे क्या हुआ, गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि उनको ब्याज भी भरना था, लोन भी चुकाना था, तो उससे क्या हुआ, उनके गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगे और इनके जो रिसोर्सेज थे एक समय में आके बिल्कुल स्केर्स हो गए। स्केर्स मतलब दुर्लभ हो गए। ठीक है, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। 1923 में फाइनली जर्मनी कह रहता है कि अब हम और लोन पे अपना जो है रीपे नहीं कर सकते हैं। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसने फ्रांस से लोन लिया था, तो फ्रांस क्या करते हैं, उसकी लीडिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है रूहार, उस पे जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं टू क्लेम देयर कोल, ताकि उनके कोयले पे वो जो कोयले को जो है क्लेम कर सके, मतलब अपने लोन के बदले में उन्होंने क्या करा, उनकी एक इंडस्ट्रियल एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी ने क्या सोचा कि हमारा इतना बड़ा उद्योग अगर उनके कब्जे में चला जाएगा तो हमें नुकसान होगा, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने क्या करा, बहुत तेज़ी से जो है नोट छापने शुरू कर दिए, ताकि वो क्या कर सके, गोल्ड तो उनके पास बचा नहीं था, तो उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए ताकि वो जो फ्रांस का कर्जा जो है उतार सके। ठीक है, इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। यानी कि अप्रैल में क्या हुआ, एक यूएस डॉलर की कीमत 24,000 मार्क्स के बराबर हो गई। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स। इन अगस्त, मतलब इतनी ज़्यादा जो है कीमत जो है गिर चुकी थी, इन द सेंस कि एक डॉलर के बदले में इतने सारे मार्क्स उनको चुकाने पड़ते, मार्क्स जो है यहाँ की करेंसी थी। ठीक है, द फिगर हैड रन इन टू ट्रिलियंस, मतलब एक डॉलर के बदले में ट्रिलियन की कीमत उनको चुकानी पड़ती थी। अब ये देखो कि कितना उनका पैसा गिर गया था ना, मतलब कि इतने सारे पैसे उनको एक डॉलर के बदले में चुकाने पड़ते थे, तो उनकी करेंसी की कीमत देखो आपकी कितनी गिर चुकी थी। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, जैसे जैसे इस मार्क की कीमत जो है गिरती जा रही थी, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपथी। अब जर्मनी में क्या है, लोग जो है ये दिखा, इस तरीके की पिक्चर्स चलती थी कि लोग जो है रोटी का एक टुकड़ा खरीदने के लिए एक बड़े से कार्ट पे पूरी रेडी पे जो है नोट रख के, मार्क्स जो उनकी करेंसी थी ना वो रख के लेके जा रहे हैं, इस तरह की पिक्चर्स चलती थी, ताकि वर्ल्ड वाइड लोग जो है लोगों की सिंपथी पा सके कि हमें एक रोटी खरीदने के लिए इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो क्राइसिस यहाँ पे आया था, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतों का आसमान से भी ऊपर चले जाना, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अ सिचुएशन एंड प्राइसिस राइज फिनोमिनली हाई। एक तो होता है कि सिंपल प्राइसिस बढ़ रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कि इतने ज़्यादा बढ़ गई, आप जैसे बता रहे हैं ना कि कितने ट्रिलियंस में पहुंच गई, एक डॉलर के बदले में उनको ट्रिलियंस ऑफ जो मार्क है वो पे करने पड़ते थे, तो इस तरीके के वहाँ पे पिक्चर्स कार्टून्स चल रहे थे कि एक रोटी खरीदने के लिए भी उनको रेडी में पैसे लेके आने पड़ते हैं, तब वो बदले में एक रोटी खरीद पाते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीद पाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हमें बताया मैंने, हाइपर इन्फ्लेशन। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेट जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द दावेस प्लान विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। फाइनली जो है यूएस बीच में आता है जर्मनी की कंडीशन को देख के, और वो क्या करता है, जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में समझौता हुआ था कि आपको इस कंडीशन पे पैसे चुकाने हैं, उन कंडीशंस को चेंज किया जाता है। जैसे लोन लेने के टाइम पे कुछ कंडीशन साइन होती है ना कि आप हमारा पैसे इस तरीके से चुकाओगे और ऐसे चुकाओगे, तो उन सारी कंडीशंस को थोड़ा आसान बनाया जाता है ताकि जर्मनी को जो है इस कंगाल वाले दौर से जो है निकाला जा सके। बीच में आता है यूएस, ठीक है, तो यूएस जो है इन कंडीशंस को ईज आउट करता है, आसान बनाता है ताकि जर्मनी आसानी से अपना लोन को चुका सके। ठीक है, यहाँ तक मार्क करो, नेक्स्ट फिर हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन.